तो दोस्तों लगे हाथ यार, हम एक और गाड़ी डेल्टा प्लस मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस, भाई इसका अंदर से इंटीरियर है, इसमें भी भाई आपको सिर्फ टेलीस्कोपिक नहीं मिलता बाकी टिल्ट मिल जाता भाई आपको, इसमें स्टीयरिंग को सेट कर देते हैं भाई। इसका भी इंटीरियर भाई तकरीबन अल्फा जैसा ही है अंदर से, बस टच स्क्रीन के अंदर जो है फ़र्क दिखाई देगा, उसमें आपको 9 इंचज का टच स्क्रीन मिलता है, इसमें आपको 7 इंचज का टच स्क्रीन मिलता है, वही फंक्शन है एप्पल कारप्ले, उसमें थोड़ा सा एडवांस मिल जाएगा, इसमें थोड़ा सा लो मिल जाएगा आपको। बाकी भाई एसी वेंट है ऑटोमेटिक, आपको इसमें क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी मिल जाएगा भाई, इसमें आपको वही ब्राउनिश, और इसमें आपको जो वहाँ पे आपको पियानो दिया हुआ था, यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल मैट में सारी सेटिंग दे रखी है। देखिए इसमें कोई आपको एसयूवी नहीं मिलता, 2 एयरबैग मिलते हैं, उसमें 6 मिलते हैं, ठीक है। ये भाई सिल्वर में आपको यहाँ भी मिल जाता है अंदर से, मैनुअल के 5 गियर आपको मिलते हैं, 2 कप होल्डर मिलते हैं भाई इसमें आपको, उसमें भी मिलते हैं, ठीक है। उसमें भी भाई आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, USB मिल जाता है, उसमें भी मिलता है, ठीक है भाई। और ये आपको नॉर्मल मिलता है, और उसमें आपको वायरलेस चार्जर का सपोर्ट मिलता है, उसमें आपको आर्मरेस्ट मिलता है, इसमें आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, मैनुअल हैंड ब्रेक उसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। बाकी भाई ये लाइट्स हैलोजन में है, टिकट होल्डर नहीं है, यहाँ शीशा है को पैसेंजर के लिए भाई। बाकी ये हैंडल आ गया, बाकी पीछे का भी कुछ सेम ही है सिस्टम, फैब्रिक सीट्स हैं, ठीक है। बोतल होल्डर, ग्लव बॉक्स, इसमें आपको किट मिल जाती है भाई, उसमें भी मिलती है, ठीक है। एसी वेंट्स नॉर्मल, ये भाई कार्बन फाइबर का डिज़ाइन दिया हुआ है, नहीं प्लास्टिक में ही है, ठीक है भाई। ये कुछ हिसाब किताब यहाँ से खिड़की के लिए हवा, ORVM के कंट्रोल्स, विंडो के कंट्रोल्स, और भाई यहाँ भी आपको फैब्रिक में ही मिल जाता सारा। इसमें आपको यूवी कट्स भी नहीं मिलते, मैनुअल आपको इसमें शीशा मिल जाता है IRVM, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं पीछे की साइड, और हाँ दोस्तों यहाँ का थोड़ा बता दूँ, यहाँ भाई आपको सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलता है, HUD वगैरह कुछ नहीं मिलता भाई आपको इसमें, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों पीछे की तरफ, पीछे की सीट पर आके दोस्तों मेरे को फ़र्क महसूस होता है काफ़ी ज़्यादा, खुली डुली है उसकी सीट थोड़ी पीछे की हुई थी उस टाइम पे, आपने देखी होगी वीडियो। इसके अंदर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, लैंप मिल जाता है, हैलोजन में ही है, ठीक है। और उसमें आपको पीछे के लिए एसी वेंट मिल जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। बाकी भाई चार्जिंग के लिए सॉकेट मिलता है 12 वोल्ट का, पीछे 4 स्पीकर आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है, उसमें 6 मिलते हैं भाई। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको पीछे भी मिल जाते हैं, बाकी 60-40 स्प्लिट होती है सीट्स, पार्सल ट्रे मिल जाती है बड़ी सी, और भाई ये वही हैंडल। बाकी भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब खुली डुली है गाड़ी फ्रॉन्क्स, और थोड़ा ऊंचे सेगमेंट में आ गई तो थोड़ा ऊंचा ऊंचा सा भी फील होता है, देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसमें आपको जो डोर हैंडल है भाई वो नॉर्मल प्लास्टिक में मैट में मिलते हैं, कोई आपको इसमें क्रोम नहीं मिलती, ठीक है, मैट में ही मिलेंगे इसके प्राइस के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों बाहर से दिखाते हैं गाड़ी कैसी दिखती है, और हाँ भाई प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, थैंक यू सो मच। तो खैर चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर से दिखाते हैं गाड़ी कैसी दिखाई देती है। तो दोस्तों ये गाड़ी की फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, वही फ्रॉन्क्स की जैसी थी वैसी लुक है, इसमें बस फर्क ये है यहाँ पे उसमें कैमरा मिल रहा था, इसमें आपको कोई कैमरा नहीं मिलता, फ्रॉन्क्स की बैजिंग मिल जाती है, वही कॉर्निंग LED लैंप्स मिल जाते हैं आपको, LED प्रोजेक्टर नहीं है सॉरी LED है बस, ठीक है, प्रोजेक्टर ही बूबे चढ़े हुए भाई। ये भाई आपको DRL मिल जाता है LED में, ठीक है। ये बोनट मिल जाता है बड़ा सा, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। ये भाई आपको गुडियर के टायर मिल जाते हैं इसके अंदर, कितने इंचज़ के हैं भाई, अरे भाई दिखा दो कहाँ हैं। इसमें भाई 16 इंच के टायर मिलते हैं, 195-60 और 16 इंच का ही आपको इसमें अलॉय व्हील मिल जाता है जो कि ब्लैक में है, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। रूफ रेल्स बॉडी कलर के हिसाब से, और भाई आपको शार्क फिन एंटीना है, बॉडी कलर का ही मिलता है, कोई पियानो में नहीं मिलता, देख सकते हैं, कोई आपको रुका सेंसर नहीं है। पीछे के टायर में भी भाई आपको ब्लैक अलॉय मिलते हैं, लेकिन ड्रम ब्रेक है, डिस्क नहीं है। चलते हैं पीछे की तरफ भाई, जो लाइट है सिर्फ इसकी इतनी लाइट जो पट्टी है ना, ये जलती नहीं है, सिर्फ ये जलती हैं, और यार बड़ा गलत करा काम। ये भाई आपको इसमें पीछे भी कोई कैमरा नहीं मिलता है। बूट स्पेस की बात करें भाई, वही उसमें जो उसमें था वही इसमें है, 307 लीटर
तो आपको इसमें बूट स्पेस जो है मिल जाता है, क्योंकि ठीक है डिसेंट है। इसमें आपको लैंप भी नहीं मिलता भाई, मैं लैंप मिलता था, बड़ी सी पार्सल ट्रे मिल जाती है। इसमें कोई आपको भाई वाइपर भी नहीं मिलता, डिफॉगर मिल जाते हैं, वॉशर नहीं मिलता भाई। इसमें आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, नेक्सा की वायरिंग है, नेक्सा फ्रॉम से लिखा हुआ है 3D में, देख सकते हैं। रिफ्लेक्टर मिल जाता है, वही तीन आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 37 लीटर का आपको इसमें भाई फ्यूल टैंक मिल जाता है, देख सकते हैं। बाकी भाई मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पढ़ लेना भाइयों, देख सकते हैं गाड़ी को किस तरीके से दिखाई देती है गाड़ी। जैसे कलर कूलर के बारे में भाई सब मैं आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, पढ़ लेना। और भाई ये आपको इसमें सारा पीछे से हिसाब किताब मिल जाता है, कुछ तरह की गाड़ी है। टायरों में कोई भाई इन्होंने समझौता नहीं करा, टायर साइज सेम है सबके। इसमें भाई आपको 1200cc का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 89 bhp 113 Nm टॉर्क के साथ। फोर सिलेंडर है, तो भाई इसकी माइलेज भी आपको जो है वही 18-19-20 के आसपास मिल जाती है हाईवे पे। तो कुछ इस तरह की गाड़ी है भाई, मैट में आपको दिया हुआ सारा डिज़ाइन, तो भाई किस इस तरीके से गाड़ी दिखाई देती है। तो दोस्तों कुछ रह गया तो उसके लिए सॉरी, तो चलते अंदर की तरफ। फैब्रिक सीट मिलती है भाई इसमें भी आपको, मैनुअल 5 गियर मिलते हैं आपको, एनालॉग मीटर मिल जाता है आपको इसमें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये है जेटा प्लस का 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि 4 सिलेंडर है, तो आप देख सकते हैं। और ये भाई पास टू में है, BS6 Pass 2 इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है 90 bhp, यानी वैसे 89 करता है, ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ, 90 bhp 113 Nm टॉर्क के साथ। इसकी माइलेज भी भाई आपको काफ़ी सही मिल जाती है, और भागने में रफ एंड टफ है, आप जानते हैं इस इंजन के बारे में। तो इस तरीके से भाई गाड़ी दिखा देती है। इस इंजन की शांति भी बहुत है भाई, आवाज़ बड़ी कम करता है इंजन, गाड़ी स्टार्ट है नहीं है पता नहीं लगता, ये इसकी खासियत है। इस तरीके की गाड़ी है भाई, देख सकते हैं, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मारुति का, इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको एक्साइड की बैटरी मिल जाती है, जो टच चीज़ है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है, बजट के हिसाब से सबसे बेस्ट सौदा है भाई, सही बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं आपको भाई, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, लाइक करें और उस कमेंट भी करें करो यार, कुछ कमी कमी रह रहे हो सॉरी उसके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।